भारत के हिंदू दुनिया में जहां जाएंगे जाति की बीमारी को साथ ले जाएंगे और फिर जाति पूरी दुनिया की समस्या बन जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर की ये बात सच साबित हुई। भारत के सवर्ण लोग दुनिया के जिस भी मुल्क में जा रहे हैं वहां जातिवाद की बीमारी को फैला रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट ने इस दावे को और भी पुख्ता कर दिया है। बीबीसी ने भारत के सवर्ण क्या विदेशों में भी अपनी जाति नहीं छोड़ रहे नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिससे ये साबित होता है कि कैसे भारत के सवर्ण अमेरिका जैसे मुल्कों में जाति का जहर फैला रहे हैं। मेरिल सेबेस्टियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बसे सवर्ण भारतीय अपने साथ पढ़ाई कर रहे या काम करने वाले अन्य भारतीयों की जाति पता लगाने के लिए कई तरह के तरीके निकालते हैं और उनके साथ जातिगत भेदभाव भी करते हैं। खबर के मुताबिक एनपीआर के सितंबर 2020 में प्रसारित हुए शो रफ ट्रांसलेशन में बोलते हुए तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी ने नकली नाम सैम कॉर्नेलस नाम का इस्तेमाल करते हुए अपने अनुभव साझा किए थे। उन्होंने बताया था कि उनके सहकर्मी उनकी कमर पर हाथ मारकर ये देखते थे कि उन्होंने जनेऊ पहना है या नहीं। उस शो में बात करते हुए इस कर्मचारी ने बताया था कि वो आपको तैराकी के लिए आमंत्रित करेंगे, आप जानते हैं, कहेंगे चलो तैरते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तैरने के लिए टी शर्ट उतारनी पड़ती है। असल में वो ये देखना चाहते हैं कि आपने जनेऊ पहना है या नहीं। शो में शामिल दूसरे लोगों ने भी ये स्वीकार किया था कि यूनिवर्सिटी की पार्टियों में अक्सर भारतीय एक दूसरे की जाति पूछते हैं और वो खुद इसमें असहज होते हैं और जवाब देने से डरते हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कैसे अब अमेरिका जैसे मुल्कों में बसे दलित बहुजन अंबेडकरवादी विरासत को आगे बढ़ाने के साथ साथ जातिगत भेदभाव के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। अब अमेरिका में दलित अपने साथ हो रहे जातिगत भेद के बारे में बोलने लगे हैं और अमेरिका में अब जाति नस्ल की तरह ही बहस का मुद्दा बन गई है। मैन के कोलबी कॉलेज में जातिगत सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर सोंजा थॉमस कहती हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड और ब्रियोना टेलर की मौत के बाद शुरू हुए ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान का भी इस मुद्दे पर प्रभाव पड़ा है और अब दलित लाइव्स मैटर जैसी बातें होने लगी हैं। दक्षिण एशियाई मूल के अमेरिकी अभी विचार कर रहे हैं कि उनके अपने समुदायों में जातिवाद किस तरह कालों के खिलाफ भावना की तरह ही मुखर है, यानी जिस तरह से काले लोगों के खिलाफ नस्ल के आधार पर उनकी चमड़ी के आधार पर भेदभाव होता है, उसी तरह से दक्षिण एशियाई समूह के लोग जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। रिपोर्ट में सवर्णों को मिले जातीय विशेषाधिकारों का भी जिक्र किया गया है कि कैसे सवर्णों को ज्यादा अवसर मिले और वो आगे निकलते चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलित्जर सेंटर के फंड से बनी कास्ट इन अमेरिका सीरीज में बात करते हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता कविता पिल्लई ने कहा था, हम ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे हमारे माता पिता एक सूटकेस और चंद डॉलर लेकर अमेरिका पहुंचे, लेकिन हमें इस बात की बहुत समझ नहीं है कि कैसे भारत में मिली जातिगत वरीयता की वजह से हमारे परिजन यहाँ आने का रास्ता साफ कर पाए, वो यहाँ पहुंच पाए और हमारे अभिभावकों, हमने और हमारे बच्चों ने यहाँ अच्छा किया। अमेरिका में अब जाति को एक समस्या के रूप में देखा जाने लगा है क्योंकि वहां रहने वाले सवर्ण भारतीयों की ओर से जाति के आधार पर भेदभाव करने के कई मामले सामने आए हैं। 2020 में कैलिफोर्निया में आईटी कंपनी सिस्को के दो सवर्ण कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय मूल के एक दलित के साथ भेदभाव करने का मामला दर्ज हुआ था। सिस्को के मुकदमे के बाद दलित अधिकार संस्थान इक्वेलिटी लैब ने एक हॉटलाइन शुरू की थी, जिस पर चंद दिनों के भीतर गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी बड़ी सिलिकॉन वैली कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के 250 से ज्यादा कॉल आए थे। वहां जो लोग काम करे थे उन्होंने कॉल किया था और इन कर्मचारियों ने अपने साथ जातिगत आधार पर भेदभाव की शिकायत की थी। सिस्को मुकदमे में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की वर्कर्स यूनियन ने भी मदद की थी। इक्वेलिटी लैब्स के संस्थापक थेनमोजी सुंदरराजन ने बीबीसी से कहा, ये पहली बार था जब हमारे मूल देश के बाहर एक अमेरिकी संस्थान ने जाति को अहम नागरिक अधिकार समस्या माना, जिसके लिए सरकार की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। साल 2021 में कन्या मुकदमे में अक्षरधाम मंदिर बनाने वाली हिंदू संस्था बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS पर दलित मजदूरों का शोषण करने, अमेरिका में उन्हें बंधक बनाने और उनको न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन देने के गंभीर आरोप लगे थे।
इसी साल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, डेविस कोल्बी कॉलेज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और द कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी नीतियों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा को शामिल कर लिया है। इसमें ऐतिहासिक पल तब आया जब जनवरी 2022 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई जिसने अपनी नीति में जाति को एक सुरक्षित श्रेणी का दर्जा दिया। यानी अमेरिकी यूनिवर्सिटीज अब जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ नीतियां बना रही है क्योंकि वहां छात्रों के साथ जाति के आधार पर सवर्ण भारतीय छात्र भेदभाव करते हैं। मशहूर अमेरिकी लेखक इसाबेल विल्कर्सन अपनी किताब कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिस्कंटेंट में लिखती हैं कि जाति हड्डी है और नस्ल चमड़ी है। यानी चमड़ी तो ऊपर से दिखाई दे जाती है लेकिन हड्डियां नहीं दिखती। 2020 में आई इस किताब ने अमेरिका में जातिवादी भेदभाव को सुर्खियों में ला दिया है लेकिन सवर्ण मानने को तैयार नहीं है। मेरिल सेबास्टियन की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों ने अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव के खिलाफ हुंकार भरी तो अमेरिका में बसे सवर्ण हिंदुओं ने भी इसके खिलाफ माहौल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरिल सेबास्टियन की रिपोर्ट के मुताबिक दलित अधिकारों के लिए अभियान की इस जीत को अमेरिका में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जैसे हिंदूवादी समूहों ने चुनौती दी है। हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन इसके खिलाफ भारतीय मूल के लोगों को एकजुट भी कर रहे हैं और इस फाउंडेशन ने कैश स्टेट पॉलिसी और सिस्को मामले को चुनौती दी है और इसे अमेरिका में हिंदुओं के अधिकारों का हनन और भेदभावपूर्ण बताया है। ये वही एनआरआई हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं और मोदी इन एसेट बताते हैं और मोदी जब विदेश में होते हैं तो ये लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। भारत में हिंदुत्ववादी सरकार के होने से अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन जैसे सवर्ण एनआरआई संगठनों को और भी ताकत मिली है और वो दुनिया भर में ये ढिंढोरा पीटने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीयों की सिर्फ एक ही पहचान है और वो है हिंदू होना और जाति कोई समस्या है ही नहीं। यह किस्से का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान जाति के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न के मसले पर संयुक्त राष्ट्र में बहस होनी थी लेकिन अटल बिहारी सरकार ने यह कहकर चर्चा नहीं होने दी कि जाति हमारा अंदरूनी मामला है और हम इससे खुद निपट लेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर जाति को एक वैश्विक पहचान मिल जाती है तो भारत में हो रहे दलित उत्पीड़न और मानवाधिकार हनन पर अंकुश लगाने के लिए दुनिया भर से मजबूत आवाज उठने लगेंगी। नस्लवाद की तरह अगर जातिवाद को भी ग्लोबली एक समस्या के तौर पर पहचान दी जाती है तो उसे रोकने के लिए कुछ कदम जो उठाए जाएंगे दुनिया भर के देश कहेंगे कि आपके यहाँ ये समस्या, इस पर अंकुश लगाइए, तो इसे जाति को तोड़ने में काफी मदद मिल सकती है। लेकिन भारत के सवर्ण ऐसा नहीं चाहते। दरअसल वो वसुधैव कुटुंबकम जैसे फरेबी शब्दों के जरिए दलितों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार को छुपा लेते हैं। लेकिन आप बीमारी को कितना ही छुपा लो, कभी ना कभी बीमारी का असर इंसान के शरीर पर जरूर दिखता है और जाति तो वैसे भी कैंसर है जिसका इलाज अगर वक्त रहते ना किया जाए तो ये जान भी ले सकती है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बसे अंबेडकरवादियों ने इस बीमारी के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। अब दुनिया के हर मंच पर अंबेडकरवादी दमदारी से जाति के खिलाफ बोल रहे हैं। सवर्ण जाति के जिस वायरस को भारत से बाहर ले गए हैं अब वो पूरी दुनिया के लिए एक महामारी बनता जा रहा है। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है? जाति की समस्या को ग्लोबल पहचान दिलाने और दुनिया भर में जातिवाद को रोकने के लिए कानून बनाने की जो पहल है उस पर आप क्या सोचते हैं? वो अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएँ ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।